छोटा सा टुकड़ा सुनिएगा मेरी ओर से। काम से बेटा अभी एक बहुत सुंदर कटपीस आपने वहां से सुना है। तो आदरणीय जानकी रमन जी, जो कटपीस मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये ना तो भोजपुरी धुन है और ना फिल्मी धुन है, फिर ये हमारे यहाँ की बुंदेलखंडी तर्ज है। और जिसको हालांकि बहुत सारे कलाकार गा भी रहे हैं, गीत आया लेकिन मैं क्या कह रही हूं, क्या जरा सुने आप। माता जानकी, उनका जन्म कैसे हुआ सभी लोग जानते हैं भैया। घड़े से प्रगति अवध में आई, सुनिएगा भैया। घड़े से प्रगति अवध में आई, और अवध में आने के बाद अरे स्वामी संग वनवास सिधाई, राम जी के साथ वनवास भी चली गई। फिर वनवास जाने के बाद उनका हरण हो गया, जबकि राम जी जानते थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब लो करो निशाचर नासा तब लो करो गिन मावासा। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान श्री राम ने किया क्या? क्या किया? घड़े से प्रगति अवध में आई, स्वामी संग बन वास सिधाई, और वनवास में आने के बाद लेते परीक्षा श्री रघुराई, जानकी को लेके आए वनवास, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ अग्नि में चली जाओ, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा। तो ऐसा कहा जाता है, अरे तीन रूप लिए देखो मैया ने धार, सुनिएगा। अरे तीन
चली गई, असली रूप से अग्नि में चली गई। वाह। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, सुने आप। अरे तीन रूप लिए देखो मैया ने धार, छाया बन लंका मां चली गई। और भैया जी लंका से लेके लौटे सीता जी को, तो लंका से लेकर के आए करतार। तो बड़े भैया अग्नि सुता अग्नि माँ चली गई, छाया बन लंका में चली गई, अग्नि सुता अग्नि में चली गई। कैसे कैसे? जैसे शांतनु का ना भाया है प्यार, राजा शांतनु का प्यार। अरे जैसे शांतनु का ना भाया है प्यार, गंगा माँ चली गई। गंगा माँ चली गई, ठीक वैसे ही वैसे ही। अरे सह पाई वैदेही दुख ना अपार, तो धरती सुता धरती माँ गई। और इसमें तीन बातें भी चल रही हैं। और वो तीन बातें क्या हैं? क्या लोग कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व तो बताए गए हैं, जिनमें से तीन तत्व तो मैंने ले लिए, दो तत्व तो आपके लिए छोड़ दिए हैं। ये है इंसानियत। तो सुने आप, सुनिए। लंका से लेके जब आए करतार, अग्नि सुता अग्नि माँ चली गई। कैसे कैसे? अरे जैसे शांतनु का ना भाया है प्यार, गंगा माँ चली गई। वैसे ही कार्यक्रम बहुत सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल। कहने लगी मेरा गाना आपके सर के ऊपर निकल गया। गाना आप समझ नहीं पाए, गाना है कि पूरा हेलीकॉप्टर। जो मैं कह रही थी वो आप कह रहे हैं। जवाब आप समझ नहीं पाए। और क्या, मेरा गीत कह रहा था कि जो भी श्री राम जी का ध्यान किया करते हैं, उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं। बिल्कुल। अब आपने कहा था उनकी रक्षा सदा हनुमान किया करते हैं। बस प्रसंग भी अलग अलग था ना, तो आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ राकेश जी कि आज आपको हुआ क्या है। हाँ। तो आप सवाल ही समझ पा रही हैं, और ना जवाब ही समझ पा रही हैं। बिल्कुल, कुछ तो हुए है। कहने लगे कि जो आपके गुरु हैं, हाँ, वो मेरे कौन हैं? बताओ। आपके बाद में हैं, मेरे वो पहले हैं। पीछे से आवाज आई उनके नीचे वाले ने कहा कि उनका नाम राशन कार्ड में देख लीजिए। ले ओ। राशन कार्ड में तो हो ही नहीं सकता, जब बिस्टिक कार्ड में नहीं है नाम तो राशन कार्ड में क्या बात है। नाम बिस्टिक कार्ड से आपने हटवा दिया, क्योंकि आपने गुरु बदल लिया, और जब आपने गुरु बदल लिया तो आपको अधिकार नहीं होगा गाना गाने का। क्या मेरा पूरा अधिकार बनता है? हाँ, सत्य वचन। आपका उस पर जरा सा भी अधिकार नहीं है। और क्या, आप उसी खानदान में रहती तो आप सारे गाने गा सकती थी। बिल्कुल। अब आप एक लाइन नहीं गा सकती उसमें। हाँ।
अब आप मेरे पर उंगली उठा रही हैं कि जो मैंने गीत दिया है करें, वो किरण खुरपेशी गा रही, वो गा रही होंगी। हाँ, वो बहुत बड़ी रचनाकार है। किरण खुरपेशी कोई राइटर है क्या? और क्या, वो मेरा गीत है, कोई भी गाए, हमें किसी को रोक तो नहीं सकता हूँ। और क्या, मैंने खंडगीत दिया, आपने कह दिया कि ये लालमन जी का है। हाँ, लालमन जी आज मेरे बहराइच में कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, रास्ते में मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, आज कल्पना दूध बेस उनका कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, अब फोन मिला के पूछिए ये गाना उनका है या मेरा है, आप खुद पूछ लीजिए। पूछ लीजिए। और क्या, हम लोग किसी और का गीत नहीं गाता। बिल्कुल राकेश जी, ये मेरा गाना है, जो खंडगीत मैंने आपको दिया है वो मेरा अपना गीत है। और आज पहली बार, आज सबसे पहले उसका मैंने प्रयोग किया, आपसे ही गाया है। हाँ, पहले मंच पे कहीं नहीं गाया। और क्या, लेकिन राकेश जी जो जो जवाब आपने दिया है वो लालमन जी का ही जवाब है। ये सत्य बात है। कहिए, मैं लालमन जी से पूछवा दूं अभी फोन करके। बिल्कुल, तो आपने जवाब दिया है कि जो उनके हाथ में वो उनके माथे, ये गाना लालमन जी का है। और क्या, तो मैंने गाया वो मेरा है। गलत नंबर ना डायल करो। जवाब नहीं बन पा रहा है। और क्या, किरण खुरपेशी गा रही हैं, कलाकार से जवाब नहीं बनता तो इधर लाल गा रहे हैं। इधर उधर की बात कम करो। एक बात और कही आपने। हाँ, कह दिया कि उधर पीछे वाले कह रहे हैं कि सर में बाल नहीं है और इतनी अच्छी ढोल बजा रहे हैं। हाँ, आपको तो कहा नहीं, और ये आपके किसी बैकर या ढोलक वाले को तो कहा नहीं ना? ये मेरे अपने मंडल की बात थी, इसमें आपको क्यों बुरा लगा भाई? बिल्कुल, बाल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो भाई। इसीलिए तो हम कहा करते हैं सत्यम किम वक्तव्यम। और क्या, लड़का बहुत ज्ञानी है, बहुत आगे तक जाएगा। कह रही है जवाब में कि चार बहन एक भाई, देखो चार बहन एक भाई, सीता माता है और एक बहन चार भाई, अवध सुख दाता है। यहां भी गलत है आप, यहाँ भी आप गलत हैं। यहाँ तो सही है कि चार बहन एक भाई तो सीता माता के सही हैं, मगर राम की दो बहनें थी, कानपुर है और तमाम कीर्तनकार बैठे हुए हैं, महान महान विद्वान, भगवान राम की दो बहनें, एक शांता और एक ककुआ नाम था, ककुआ। राम की दो बहनें। और क्या, अब विश्वास ना हो तो भूतपूर्व गुरु जी से पूछ लिए, भी बैठे पीछे बता दे वो रावण कैसा था। जिद मेरी है, ये गीता हमारे गुरु जी गाते थे। बता दे सीते वो रावण कैसा था। राम की दो बहनें और आप फुल पीस का जवाब लाई हैं, बहुत सुंदर। हम लोग इधर उधर की बातें कम करते हैं थोड़ा सा। ओके, अरे साथी मिलते हैं पर इंसान कहाँ पाओगे। अच्छा, साथी इंसान नहीं होते? बताओ, साथी मिलते पर इंसान कहाँ पाओगे? जब साथी इंसान नहीं है, वो जानवर है। हाँ, वो जानवर, वो सब योगी जी के गाय। साथी मिलते हैं पर इंसान कहाँ पाओगे? और क्या, पैसे से नारी मिलती है, पत्नी नहीं पाओगे। हाँ, पैसे से माता मिलती है, पैसे से बिस्तर मिलता है, नींद कहाँ पाओगे। हाँ, पैसे से सुंदरता मिलती है। हाँ, सुंदरता, पैसे से सुंदरता मिल सकती है। और क्या, क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक मिल सकती है। हाँ, सुंदरता तो नहीं मिल सकती। बिल्कुल, सुंदरता तो परमात्मा ही देता है। हाँ, ये बात, धन्यवाद है। सुंदर या कुरूप भगवान ही बनाता है। लाली लिपस्टिक से कोई सुंदर नहीं हो जाता। ओके, इसीलिए तो हम कहा करते हैं सत्य भाषण पापा भवत। ये बात
लड़का बहुत ज्ञानी है। धन से उपचार पर निदान कहाँ पाओगे, और मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि धन से आओ सभी मिले पर प्राण कहाँ पाओगे। बताओ, बस वही लेपापोती कर रही है और क्या, पूरा मंडल दुनिया का बखेड़ा खड़ा कर रही है। उनका गाना है, ये उनका गाना है। अभी मंदिर में आपको खड़ा कर दूं और मैं भी खड़ा हो जाऊं, ये सौगंध खा लूं, आप भी कसम खा लीजिए कि ये गाना किरण का है। हाँ। और मैं कसम खा लूंगा कि मेरा गीत है। और क्या, हम लोग का गाना नहीं गाता, डक्के की चोट पे काम करते हैं। चलिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ना ना, पेपर पढ़ो, आगे बढ़ो, चलो ना। अच्छे बेटे गंदी बात नहीं करते। और क्या, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, चिल्लाते कम है थोड़ा। हाँ, चिल्लाते कम है, गाते ज्यादा। हाँ। अरे सो रही थी मैं तो किसकी है। राखी जी, ये कटपीस हमारी शिष्य साधना चंचल गाती है। हाँ। और दादा शशिराज से गा गई है यहाँ रायबरेली में। हाँ। इधर घर का आप गा रही है, ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। और क्या, विश्वास ना हो तो अभी शशिराज भैया को फोन मिलाइए, पूछे कि साधना चंचल आज के 3 साल पहले गा के गई है रायबरेली। घर नहीं जा, आगे नहीं जा, ये सब गा गई है। सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। अरे पद्माक्ष की कन्या बन के आई, अच्छी कलाकार हैं, जो जिसका गीत उसको स्वीकारिए। जवाब ना बने, जवाब ना दीजिए, मगर ये ना कहिए उनका गीत है, उनका गीत है। और क्या, सुनेगा। अरे पद्माक्ष, राजा पद्माक्ष ने तपस्या किया, राजा रानी ने मिलकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो वरदान मांगा कि प्रभु ऐ लक्ष्मी माता, आप मेरी पुत्री बनकर के आए। तो माता लक्ष्मी पद्माक्ष की कन्या यानी पद्मा बनकर के आई। पद्मा बड़ी हो गई, विवाह का योग हो गई, शादी जब होने को भाई स्वयं पर रचाया, तो शर्त रखी कि जो भी पुरुष, जो भी राजकुमार अपने शरीर को नीलांबर कर देगा, नीलवर्ण कर दे अपने शरीर को, उसके संग में पद्मा का विवाह होगा। भगवान विष्णु आए, शरीर को नीलांबर और नीलांबर ही है। विवाह हो गया, उसमें रावण भी आया था, तमाम राजा आए थे, युद्ध होने लगा, उसमें पद्माक्ष को उनकी मृत्यु हो गई पद्माक्ष की। और अब पद्मा को सब जबरन अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो पद्मा अग्नि, जो अग्निकुंड है उसमें कूद गई। देखिएगा, वरदान पाया, कहीं कहीं मिला है कि वो उनके गर्भ से पैदा हुई, कहीं मिला कि पद्माक्ष राजा ने यज्ञ रचाया तो हवन कुंड से पद्मा की उत्पत्ति हो गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हाँ। तो कहना, पद्मा की कन्या बन, अरे पद्माक्ष की कन्या बन के आई, और
और अरे लक्ष्मी जी और पद्मा देखेगा अग्नि में, आपने कहा अग्नि में चली गई, यहाँ पद्मा कूद गई। एक दिन रावण आकाश मार्ग से जा रहा था तो पद्मा को देखा अग्नि कुंड से बाहर बैठी है। विश्वास हो तो आनंद रावण उठा के देखिएगा। बिल्कुल और एक तक रावण रहा है निहार, रावण रहा है निहार, अग्नि सुता अग्नि से निकल आई। अग्नि में चली गई और मैं कह रहा हूं अग्नि से निकल आई। देवा अग्नि सुता अग्नि से निकल आई, अग्नि सुता अग्नि से निकल आई, एक जगह और निकल आई। देखिएगा रावण के लंका में, रावण की लंका में एक धूप का पेड़ था, वो बहुत महकता था, रावण को नींद नहीं आती थी। रावण ने वो पेड़ कटवा करके, वो पेड़ कटवा करके उसके लट्ठे ला करके और जनकपुर में किनारे डाल गया, नदी के किनारे डाल गया। और इधर जनकपुरी में यज्ञ हो रही थी, ऋषि महात्मा गए थे नहाने और देखा धूप का लट्ठा पड़ा है, बहुत सुगंधित है, उस लट्ठे को उठा के लाए, उसी से हवन किया गया। तो वहां भी एक लिखा मिला है सीता की उत्पत्ति कहीं घड़े से, और यहाँ लिखा मिला कि अग्नि कुंड से माता सीता, जिस कुंड में हवन किया गया उसी कुंड से माता सीता की उत्पत्ति हो गई, ऐसा भी लिखा मिला है एक पुस्तक के अनुसार। तो माता सीता अग्नि से प्रकट हुई और इधर राम ने कहा कि तुम पावक मा करो निवासा, या आपने कहा जबल करो निशाचर नासा। तो वहां पर वेदवती वो भी अग्नि सुता है, वेदवती छाया सीता बनकर के आ गई। जब आ गई तो जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिया, रावण मारा गया, राखी जी उसी समय सीता की अग्नि परीक्षा होने लगी। सबकी नजर में तो अग्नि परीक्षा, लेकिन यहाँ पर देवियों की अदला बदली, नकली सीता और असली सीता की अदला बदली हो रही है। क्योंकि नकली सीता जो छाया सीता है जो लंका में है वो अग्नि में चली जाए, और जो मेरी सीता असली वाली है वो अग्नि से बाहर चली आए। बस परीक्षा का बस इतना ही कारण था, सबकी नजर में वो परीक्षा, लेकिन यहाँ नकली सीता को अग्नि में जाना था और अग्नि में जो समय थी असली सीता उनको अग्नि से बाहर आना था। अरे समझ ना पाए रहे सब कोई निहार, सब अरे निरख समझ ना पाए कोई रहे सब निहार, अग्नि सुता अग्नि से निकल, अग्नि सुता अग्नि से निकल आए, अग्नि सुता अग्नि से निकल आए, अग्नि सुता अग्नि से निकल आए, अग्नि सुता अग्नि से निकल आए।